बुद्धि विपरीत हुई, आया है विनाश काल, राम कृष्ण पर करोगे सवाल तो दिल्ली से भी मिट जाओगे। नमस्कार, मैं जनप्रता श्री ओम गौतम, मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की, जो पार्टी जब से पैदा हुई है तब से ही विवादों में है। और इस पार्टी के जो लोग हैं अब इतनी ज्यादा इनकी जरूरत हो गई है कि श्री राम और कृष्ण के होने पर भी सवाल उठाने लगे। आपको याद होगा कांग्रेस ने भी ऐसी गलती की थी और अब तक सत्ता से दूर है। और इस समय दिल्ली की सत्ता पर बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल, जैसे उसका साथी कुमार विश्वास आत्मभुक्त बौना कह के सही तरीके से संबोधित करता है। और पहले हम लोग भी इसको पौआ बोला करते थे, इस पौए की जो सेना है, पौए के जो विधायक हैं, वो अपनी औकात भूल गए हैं और रामकृष्ण के होने पर सवाल उठा रहे हैं। और इस बार ये काम किया है राजेंद्र पाल गौतम नाम के इसके एक मंत्री ने, जो कि सीमापुरी से विधायक है। उसने ट्वीट किया था बाबा रामदेव के एक ट्वीट का जवाब करते हुए, और उसने कहा था कि अगर ये प्रमाणित है कि राम और कृष्ण तुम्हारे पूर्वज हैं, वो अपने नहीं कह रहा, हमारे नहीं कह रहा है, वो कह रहा तुम्हारे पूर्वज हैं, तो इतिहास में इनको पढ़ाया क्यों नहीं जाता। पूर्वजों का कोई इतिहास होता है जबकि इनको कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है, ये पौराणिक कथाएं हैं, इतिहास नहीं। जबकि पेरियार जी का दृष्टिकोण प्रामाणिकता और तार्किकता के आधार पर था, ये कहना है राजेंद्र पाल गौतम का, जो केजरीवाल का खास मंत्री है। बाद में जब इसके ऊपर विवाद हुआ तो इसने एक नया सिगुफा छोड़ा और इसने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, अब मैं कार्रवाई करूंगा, मैं चाहता हूं कि सभी धर्मों का सम्मान हो। और इसको लेकर मीनाक्षी लेखी ने पूछा कि अगर ये कह रहा है कि इसने ये ट्वीट नहीं किया है तो फिर ये क्यों नहीं कहता कि राम और कृष्ण इसके भी पूर्वज हैं। सही पूछा उन्होंने, और इस पर सबसे अच्छा जवाब दिया कुमार विश्वास ने। उन्होंने लिखा कि जो आत्मभुक्त बौना है, इसके जो सिपाही हैं, इसके जो मंत्री हैं, ये अपनी औकात भूल गए हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इन लोगों को सुधरना चाहिए। संतोष कोहली आगे लिखते हैं, वो संतोष कोहली के बलिदान की मलाई चाट रहे सीमापुरी के ये MLA आत्मुग्ध बोने के मंत्री हैं, रामकृष्ण के होने का देश से सबूत मांग रहे हैं, तुम्हारे आका ने सेना से शौर्य के सबूत मांगे थे तो लोकसभा में लोगों ने दिए थे, तुमने रामकृष्ण के मांगे हैं, प्रतीक्षा करो, विधानसभा में तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर कुमार विश्वास ने जो कहा है वो ठीक कहा है कि इसका जो आका है अरविंद केजरीवाल नाम का सुरक्षा मुख्यमंत्री दिल्ली का, जो चंदा चोरी में विश्व रिकॉर्डधारी है, उसने भी सेना के जो एयर स्ट्राइक हुई थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसको लेकर सबूत मांगने की कोशिश की थी केंद्र सरकार से, और दिल्ली में उसका दिल्ली के लोगों ने सही तरीके से जवाब दिया था। अब दिल्ली के लोगों को ये निर्णय करना है कि जो लोग राम और कृष्ण के होने पर उनकी ऐतिहासिकता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्हें वो बिजली और पानी के फ्री के लालच में, या बसों में महिलाएं फ्री टिकट के लालच में उसको दोबारा सत्ता में लेकर आएंगे। निश्चित तौर पर ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हुई है। अरविंद केजरीवाल और उसका पूरा गिरोह ये भूल गया है कि भारत के अंदर राम और कृष्ण किस हद तक लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अगर उनके प्रमाण की बात करोगे तो फिर तुमसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बाप होने का प्रमाण मानेंगे, और तुमने भी क्या अपनी माँ से अपने पिता के पिता होने का प्रमाण मांगा था केजरीवाल? तुम्हें अपने इन सड़क छाप गुंडे मवाली मंत्रियों को लगाम में रखना चाहिए, इनकी औकात को तुमने इतना ऊपर बढ़ा दिया कि ये जो सड़क छाप लुटेरे थे, जेब कतरे थे, उन्हें तुमने मंत्री और विधायक बना दिया। कुमार विश्वास ने सही कहा कि संतोष कोहली ने संघर्ष किया था सीमापुरी इलाके में, और उसके दम पर वहाँ उसके नाम पर वोट मांगकर तुमने इस व्यक्ति को MLA बनाया और उसके बाद में इसको मंत्री बना दिया, और आज ये अपनी औकात भूल गया कि भारत के सबसे बड़े दो आराध्यों भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाने की हिमाकत ये दुष्ट कर चुका है। ऐसे पापी को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी, लेकिन सबक तो उसको भी सिखाएगी जो इस पापी का आका है और इस पाप में बराबर का भागीदार है, अरविंद केजरीवाल और उसका पूरा गिरोह। निश्चित तौर पर इसको लेकर कपिल मिश्रा ने भी एक अभियान चलाया और उन्होंने कहा कि एंटी हिंदू आप करके ये ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है, और इसके द्वारा लोगों को पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी की असली सोच है क्या। वास्तव में अरविंद केजरीवाल ने अपना करियर IRS में ज्वाइन करने के बाद में जो शुरू किया था, तो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में स्टडी लीव के नाम पर 2 साल रहा था, वहीं से इसने सारा खेल शुरू किया। इसीलिए इसको अर्बन नक्सली कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है
कि ये जो है CIA के इशारों पर काम करने वाला शुरुआत में एक एजेंट रहा है और इसके आरोप सिद्ध भी हुए थे जब आंदोलन चला था IAC का। उस समय इसके संबंध जो फोर्ड फाउंडेशन था जो कि CIA के द्वारा चलाया जाता था, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेने के लिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर केस भी चला था दिल्ली की अदालतों में। हालांकि उन केसेस में ज़्यादा आगे प्रगति नहीं हो पाई, लेकिन ये साबित हो गया था कि अरविंद केजरीवाल इसका जो सहयोगी है मनीष सिसोदिया, ये दोनों के दोनों अपने जो 3 NGO थे कबीर और जो दूसरा NGO था इनका PCRF, उसमें ये फंड लिया करते थे फोर्ड फाउंडेशन से और इनकी जो सैलरी थी वो वहीं से आया करती थी। निश्चित तौर पर इन लोगों ने देश को बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर माफ़ करने योग्य नहीं है। भारत का कोई भी व्यक्ति, खासकर उत्तर भारत का कोई भी व्यक्ति श्री राम और कृष्ण के अपमान करने वाले को किसी भी हालत में माफ़ नहीं कर सकता है। दिल्ली की जनता भी इस दुष्ट और इसके पूरे के पूरे दुष्टों के गिरोह को आसानी से माफ़ नहीं करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारत की जो गृह मंत्रालय है अमित शाह ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राजस्थान सरकार द्वारा जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी थे उन्हें बाहर भेजने का एक ऑर्डर जारी कर दिया था, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हस्तक्षेप किया है और कह दिया है कि उन हिंदू शरणार्थियों को किसी भी हालत में भारत से बाहर नहीं भेजा जाएगा, राजस्थान में ही वो रह सकते हैं क्योंकि राजस्थान भारत का हिस्सा है। ये बहुत बड़ी बात अमित शाह ने कही और वो इससे पहले भी जिस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए और उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि भारत से बाहर यानी खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और उस अत्याचार से भागकर वो भारत में आए हैं, शरण लिए उन्होंने, उनको भारत की नागरिकता भारत सरकार देने का काम करेगी। इसीलिए भारत सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आई थी, जिसकी भी इन पार्टियों ने आलोचना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चूँकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उन पर अत्याचार इसलिए हुआ कि वो मुसलमान नहीं थे बल्कि हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी थे। तो निश्चित तौर पर सरकार का ये जो कदम है बहुत सराहनीय है। राजस्थान के इस मामले ने पूरी तरीके से कांग्रेस को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है कि कांग्रेस की जो नीतियाँ रही हैं ये एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को बसाने की बात करते हैं, उनके मानवाधिकारों की बात करते हैं, और भारत सरकार जब बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को निकालने के लिए कोई उपाय करना चाहती है तो कांग्रेस सबसे पहले उनकी हितैषी बनकर सामने खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा दिल्ली हो, मुंबई हो या राजस्थान जैसे इलाके हों या फिर बांग्लादेश के जो घुसपैठिए बंगाल में बसे उसके पीछे अगर कोई पार्टी खड़ी थी तो वो कांग्रेस ही थी। दिल्ली में बांग्लादेशियों को राशन कार्ड से लेकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था, ऐसा ही उन्होंने बम्बई में किया था और उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया गया, उनका संरक्षण किया गया, उससे कांग्रेस की पहले खूब आलोचना हो चुकी है। लेकिन यही कांग्रेस जब हिंदू शरणार्थियों की बात आती है तो उनके खिलाफ इस तरीके के आदेश जारी करती है कि वो पाकिस्तान से आए हुए नागरिक हैं इसलिए वो राजस्थान में नहीं रह सकते। इसको लेकर पहले भी गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को सुझाव दिया था कि वो इस तरीके से कार्रवाई न करे, लेकिन बाद में जब उन्होंने आदेश पारित किया तो इस आदेश को खारिज करने के लिए अमित शाह को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो एक चेहरा है, हिंदू विरोधी चेहरा, मुस्लिम तुष्टीकरण वाला चेहरा, वो एक बार और बेनकाब हो गया है राजस्थान में जहां उसकी सरकार चल रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए आपको याद होगा जब UPA 2 की सरकार जाने वाली थी तब एक बड़ा बिल लेकर आ रही थी जिसमें सीधे तौर पर बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत काला कानून आने वाला था जिसमें अगर कहीं दंगा भड़क सकता था तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं पर कार्रवाई होनी थी, चाहे गलती उन अल्पसंख्यकों की हो, दंगा किसी की भी वजह से हो, लेकिन वो कांग्रेस ऐसा कानून लाने चाहती थी कि जो भी बहुसंख्यक होंगे उन सभी को पकड़ा जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा और उनके ऊपर बलात्कार हत्या के केसेस लगेंगे, चाहे वो बलात्कार और हत्याएं अल्पसंख्यकों ने ही क्यों न की हो। उसी कांग्रेस को जनता ने औकात दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस किसी तरीके से राजस्थान में सरकार बनाने में कामयाब हो गई और वहाँ ये फिर से इस तरीके का काम करने में जुटी हुई है। इसने पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ इतना कड़ा कानून बनाने का आदेश जारी करने की कोशिश की जिसको अमित शाह ने पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अब 5% आरक्षण की मांग उठाने की कोशिश करेगी, जिसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस कभी भी तुष्टीकरण को नहीं छोड़ सकती। वो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ही अब तक 70 सालों में राजनीति करते आई है और उसी को आगे बढ़ाते रहना चाहती है। लेकिन
राजस्थान से ही एक और दूसरी खबर आ रही है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस की इस लाइन से हटते हुए एक अलग बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वैसी स्थिति में श्री राम भगवान का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए और इसके लिए सबको सहयोग करना चाहिए, सभी को इस बात के लिए मानना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर सचिन पायलट का ये जो बयान है, राहुल गांधी, उसकी माँ सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा जैसे जो कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के लोग हैं उनकी राय से अलग है, और अलग है ये राय अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान का, वो भी इस तरीके की राय नहीं रखता। उसके भी तमाम बयान पहले आ चुके हैं और जैसा कि गृहमंत्री अमित शाह ने अभी दो दिन पहले भी कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की कि राम मंदिर का फैसला कभी नहीं आए, राम के ऊपर सवाल उठाने वालों में सबसे पहले कांग्रेस ही खड़ी थी। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर ये कहा था कि श्री राम का अस्तित्व ऐतिहासिक नहीं है, वो एक काल्पनिक चरित्र है, निश्चित तौर पर ऐसे जो कांग्रेसी सोच है उससे अलग हटकर अगर सचिन पायलट जैसे युवा लोग ये कहते हैं कि श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए और उस मंदिर के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए और किसी को भी इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है और हम इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन वही चलते चलते बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री ने जिस तरीके का काम किया है उसके लिए न तो अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगेगा, और माफ़ी मांगेगा भी तो वो सिर्फ वोट के डर से, अन्यथा अरविंद केजरीवाल या उसका जो पूरा का पूरा गिरोह है वो एंटी हिंदू फिलॉसफी पे काम करता है, ये नक्सली लोग हैं, ये वामपंथ की सोच वाले लोग हैं जिनका मकसद ये है कि भारत से हिंदू लोगों को किसी भी तरीके से अपमानित किया जाए। आपको याद होगा चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक ऐसा फोटो शेयर किया था जिसमें स्वास्थ्य के पीछे एक आदमी झाड़ू लेकर भाग रहा था, उससे भी केजरीवाल की एंटी हिंदू सोच नजर आती है, इसीलिए आज ट्विटर पर एंटी आप भी ट्रेंड किया। तो अब केजरीवाल को सबक सिखाएगी दिल्ली की जनता। जय हिंद, जय भारत।